दोस्तों, अगर आप पूरी तरह से कंफ्यूज है कि हम जुलाई 2024 में कौन सी सीरीज देखें और कौन सी सीरीज सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग पर है, तो दोस्तों इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपका ये भाई लेकर आ चुका है। क्योंकि दोस्तों आज के इस काउंटडाउन में हम बात करेंगे कुछ ऐसे सीरीज के बारे में जो कि वर्ल्ड वाइड रिलीज की गई है, लेकिन ये सभी सीरीज फिलहाल जुलाई 2024 की सबसे ट्रेंडिंग सीरीज है और इन सभी सीरीज को सबसे ज्यादा देखी जा रही है। तो दोस्तों, समय की बर्बादी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा इंटरेस्टिंग काउंटडाउन। नंबर 7 पर है बैड कॉप। दोस्तों, ये सीरीज स्पेशली उन्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली होगी जो कि एक्शन ड्रामा देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है करण नाम के एक ऐसे लड़के से जो कि चोरी चकारी करता है, लेकिन उसका भाई एक पुलिस ऑफिसर है। लेकिन एक दिन वो अपने भाई से मिलने जाता है, वहां पर अचानक से ही शूट आउट शुरू हो जाता है, गोलीबारी शुरू हो जाती है और वो दोनों ही अपनी जान बचाकर भाग ही रहे होते हैं कि अचानक से ही पुलिस वाले भाई को गोली लग जाती है और वो वहीं पर मारा जाता है। लेकिन दूसरी ही तरफ हमारे गुंडे भाई करण, जो कि अपने पुलिस भाई के मौत की वजह जानना चाहते हैं और ये भी पता लगाना चाहते हैं कि असल में उसके भाई को किसने मारा और क्यों मारा, और इसी मिस्ट्री को कंप्लीट सीरीज में किस तरह करण भाई सॉल्व करते हैं यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे सीरीज में। सीरीज की हर एक एपिसोड आप काफी हद तक पसंद आने वाली होगी। इवन ये सीरीज आपको किसी भी जगह पर बोर नहीं करने वाली होगी। सीरीज में यूं तो किसी भी तरह का कोई उल्टा पुल्टा सीन आपको नजर नहीं आने वाला होगा, लेकिन इस सीरीज के लैंग्वेज आपको बहुत ही ज्यादा भारी भरकम सुनाई देने वाले होंगे और इस इसको किसके साथ देखना है और नहीं देखना है ये डिसीजन मैं आप पे छोड़ता हूँ। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 6.5, इसे डिज्नी हॉटस्टार पर अवेलेबल की गई है। नंबर 6 पर है माय लेडी जेन। दोस्तों, ये सीरीज स्पेशली उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आएगी जो कि फैंटेसी और एक्शन सीरीज देखना ज्यादा पसंद करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जेन नाम की एक ऐसे प्रिंसेस से जो कि अपने किंगडम को बचाना चाहती है, लेकिन उसकी सिस्टर ही उसे मार देना चाहती है और लास्ट तक इन दोनों की वॉर में असल में जीत किसकी होती है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। इसकी कहानी में बहुत सारे अलग पहलू भी हैं जो कि आपको हो सकता है कि काफी पसंद आए। एटलीस्ट ये सीरीज आपको किसी भी जगह पर बोर नहीं करने वाली होगी। लेकिन दोस्तों, इस सीरीज में आपको ऐसे बहुत सारे दृश्य नजर आने वाले होंगे जो कि एटलीस्ट आप अपने फैमिली के साथ तो देखना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.5, इसे Amazon प्राइम वीडियो पर अवेलेबल की गई है। नंबर 5 पर है प्रिज्यूम्ड इनोसेंट। दोस्तों, इस सीरीज की स्टोरी स्पेशली उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आने वाली होगी जो कि मिस्ट्री थ्रिलर और सस्पेंस सीरीज देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे लॉयर से जो कि एक ऐसे इंसान को बचाना चाहता है जिसके घर में एक लड़की की डेड बॉडी पाई जाती है। वो लड़की बड़ी ही खराब अवस्था में पाई जाती है उसके घर में और इसी क्लाइंट को वो लॉयर बचाना चाहता है, लेकिन इसी बीच उसका अफेयर एक दूसरे लॉयर के साथ शुरू हो जाता है और इनकी लव स्टोरी कहां पर जाकर खत्म होती है, इवन इन दोनों की लव स्टोरी कितना ज्यादा इफेक्ट डालती है इन दोनों के परिवार पर, ये सारी की सारी चीजें इस सीरीज में दिखाई गई है। सीरीज की स्टोरी हो सकता है कि आपको बहुत ही ज्यादा सिंपल लग रही हो, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, इसके प्रेजेंटेशन ऑसम है। इसकी एक भी एपिसोड आप किसी भी तरह से स्किप करने की गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हर एक एपिसोड में आप कोई नई और अच्छी चीज देखने वाले होंगे। लेकिन दोस्तों, दुख की बात यह है कि ये सीरीज फिलहाल सिर्फ इंग्लिश में ही रिलीज की गई है, इसकी हिंदी डबिंग अभी भी नहीं की गई है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.6, इसे एप्पल प्लस पर अवेलेबल की गई है। नंबर 4 पर है डेस्परेट लाइज। दोस्तों, इसकी कहानी शुरू होती है एक ऐसी लड़की से जो कि दो बच्चों की माँ बन जाती है, लेकिन पहला बच्चा उसके पति से होता है और दूसरा बच्चा उसके बॉयफ्रेंड से होता है। वो दोनों बच्चों को ही एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन एक्सेप्ट करने के बावजूद भी उसके फैमिली में कुछ ना कुछ तनाव पैदा हो रहा होता है और ये तनाव कहाँ पर जाकर खत्म होती है यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे सीरीज में। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रिलीज की गई है, लेकिन दोस्तों, इसमें आपको कुछ ऐसे भी दृश्य नजर आने वाले होंगे जो कि एटलीस्ट आप अपने फैमिली के साथ तो देखना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 6.8, इसे नेटफ्लिक्स पर चाहे तो आप देख सकते हैं। नंबर 3 पर है द बॉयज सीजन 4। दोस्तों, ये सीरीज स्पेशली उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आती है जो कि सुपर हीरो सीरीज देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है फिर से कुछ ऐसे बॉयज से जो कि शहर में कुछ खतरनाक सुपर हीरोज को मार देना चाहते हैं, लेकिन असल में उनकी दुश्मनी क्या है और वो सभी सुपर हीरोज को क्यों मार देना चाहते हैं, ये सारी की सारी चीजें आप इस सीरीज में देख पाएंगे। सीरीज स्पेशली उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आएगी जो कि एक्शन थ्रिलर सीरीज देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सीरीज बच्चों से दूर ही तो ठीक है, क्योंकि इस सीरीज में ऐसे भी दृश्य हैं जो कि एटलीस्ट आप अपने फैमिली के साथ तो देखना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे और कुछ ऐसे भी दृश्य हैं जो कि बहुत ही ज्यादा वायलेंस से भरे हुए हैं। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 8.7, इसे Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज की गई है। नंबर 2 पर है मिर्जापुर सीजन 3। दोस्तों, इस सीरीज को किसी भी तरह के इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। मिर्जापुर 3 में इस बार वही चीजें दिखाई गई है जो कि मिर्जापुर सीजन 2 में अधूरी छोड़ दी गई थी। गुड्डू किस तरह मिर्जापुर का किंग बनने की कोशिश कर रहा होता है, दूसरी तरफ
कालीन भाई अपना रिवेंज गुड्डू से किस तरह लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, ये सारी की सारी चीजें सीजन 3 में दिखाने की कोशिश की गई है। सीरीज के हर एक एपिसोड बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट भी की गई है, लेकिन इस सीरीज में भी आपको कुछ ऐसे दृश्य नजर आने वाले हो जाएंगे जो कि एटलीस्ट आप अपने फैमिली के साथ तो देखना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 8.5। सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं Amazon प्राइम वीडियो पर। नंबर 1 पर है हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2। दोस्तों इस सीरीज के कॉन्सेप्ट स्पेशली उन्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली होगी जो कि फैंटेसी और वॉर सीरीज देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है टाइगेरियन से, जो कि अपने मरे हुए बच्चे का बदला किसी भी तरह से क्वीन एलिसेंट से लेना चाहती है, और लास्ट तक वो अपना रिवेंज क्वीन एलिसेंट से किस तरह लेती है यही दिखाने की कोशिश की जा रही है सीजन 2 में। सीरीज की स्टोरी से लेकर हर चीज परफेक्ट बनाई गई है और इसके हर एक एपिसोड बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट भी की गई है। एटलीस्ट ये सीरीज आपको किसी भी जगह पर बोर नहीं करने वाली होगी। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज की गई है, लेकिन इस सीरीज में आपको कुछ ऐसे दृश्य नजर आने वाले हो जाएंगे जो कि एटलीस्ट आप अपने फैमिली के साथ तो देखना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 8.4। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं जियो सिनेमा पर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।